इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने गूगल पे पर एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं और अपने गूगल पे में आप अपने बैंक को कैसे ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यानी कि बेसिकली अपने मोबाइल पर है और जहाँ पर देखिए गूगल पे का एक नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आपके में ऑटोमेटिक पहले से ही डाउनलोड होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहां पर आपको ना मोबाइल नंबर डालना है। आपको यहां पर ध्यान रखना है, आपको यहां पर वही मोबाइल नंबर डालना है जो नंबर आपके बैंक में लिंक हो। आपके बैंक में वही नंबर होना चाहिए और वो नंबर आपके मोबाइल में परा होना चाहिए और दूसरी बात उस नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए। इस तीन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद उस नंबर को डालने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहां पर कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जैसे ही अपन मोबाइल नंबर डालेंगे नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक के बाद एक्सेप्ट टू कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी कोड आएगा जो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाले होंगे, उस पर ओटीपी कोड आएगा और यहां पर ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो आपको यहां पर वो कोड डाल देना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहां पर देखिए ऐड ए बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, यहां से भी क्लिक करके आप बैंक को ऐड कर सकते हैं, वरना आप यहां पर भी क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए यहां पर सेंड मनी का ऑप्शन है तो यहां पर क्लिक करके भी बैंक को ऐड कर सकते हैं। आप जिस भी बैंक को ऐड करना चाहते हैं सिंपली उस बैंक को आपको यहां पर सर्च कर लेना है, जो भी बैंक होगी आपको वो यहां पर सर्च कर लेना। चलिए यहां पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम यहां पर टाइप करते हैं जो भी बैंक हमारी होगी, या फिर अब इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहां से आप जो भी बैंक ऐड करना चाहते हैं वो बैंक आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहां से हम अपनी बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारी ये एयरटेल पेमेंट बैंक है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे और ये देखिए गेट स्टार्ट और यहां पर उस पर देखिए जीपे पे अलाउ आपको परमिशन देनी है, देन परमिशन दे देंगे। और यहाँ पर देखिए आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर जो डिजिटली मिल जाता है वो वाली बैंक होगी तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, नहीं तो आपके पास अगर जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और इसके अलावा अगर अदर बैंक है, स्टेट बैंक है, तो आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। उसके पीछे के जो 6 अंक होते हैं और एक्सपायरी डेट होती है उसके, वो आपको ध्यान रखना होगा। वही डालकर आपको यहाँ पर एक नया पिन जनरेट करना होगा, बस इतना काम होता है। देन कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक जो है क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बन चुका है मेरा और यहाँ पर एक्सेप्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। अभी हमारा गूगल पे अकाउंट बन चुका है। अब हम किसी को पैसे दे सकते हैं, डाल सकते हैं। अपना यूपीआई पिन शुरू में जब पहली बार बनाएंगे तो आपको पिन बनाने का ऑप्शन आएगा, तो पिन बना लेंगे। जस्ट आपको जो भी पिन बनाना वो याद रखना होगा, बस इसके बाद क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब स्कैन करने के बाद आप अपना गूगल पे जो है उससे पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपना पिन डालने के बाद, और बहुत ही आसान प्रोसेस है यहाँ पर बनाने के लिए। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आप अपने गूगल पे पर अकाउंट बना सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।